Yeah.
Our lives need to change. हमारे जीवन जो है वो बदलना है. The house of God is initiated and brought forth, and there we see the divine order of God set up. और जो परमेश्वर का भवन, जो परमेश्वर का घर, जो परमेश्वर की ओर से उत्पन्न हुआ है, परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया है, और जहां परमेश्वर का नियम स्थित है. And it is there I am brought in. और उधर उस जगह पर हम लाया गया. The Lord brings me to that house. प्रभु ने हमको उस घर में लाया. And when I say God's divine order, God's divine will, it is my life that need to be conformed to that mind and will of God in the house. यारे लोगों, यहाँ परमेश्वर के भवन के अंदर परमेश्वर का नियम, परमेश्वर का इच्छा जो प्रकट होता है, जिस बात को परमेश्वर के भवन में प्रवेश करने के द्वारा हमने देख लिया है, तो मेरा जीवन उस सनातन परमेश्वर का सिद्ध इच्छा के अनुसार परिवर्तन होना अनिवार्य है. A true church today will be a place where you and I can come and know the divine standards of God, and we can be changed in every area of our life. ये दिनों में एक सच्ची कलीसिया यही है जहां परमेश्वर की उस पवित्र नियम को, उस पवित्र स्तर को हम समझ सकते हैं, जिसके अनुसार मेरे और आपका जो जीवन जो है परमेश्वर की जो कलीसिया के द्वारा जो अनुशासन है उसकी अधीनता में होकर परिवर्तित होना. So Saturday that many places which is called by the title and name of church and fellowships have been reduced totally to a place of politics and lot of man-made things. But beloved, if you are hungry, if you are a man thirsty, and if you are looking up unto God, God will take you to a true body of believing. Emphasis is the divine order, a life that need to be brought into divine order, a life where the unrelatedness is brought into the true relationships in every sphere, whether in the family or in the places of our work, or even in the place where we fellowship together. प्यारे लोगों, बड़े खेत की बात जो है, आज और कलीसिया या सहभागिता के नाम से हमने एक राजनीतिक संस्थाओं को या समाज सेवा स्वार्थ से भरा हुआ समाज सेवा संस्थाओं को मनुष्यों ने कड़ा कर देखा है. यदि मैं और आप परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा भरे हुए भूख और प्यास रहने से, जब परमेश्वर की भवन में जो परमेश्वर की ओर से उत्पन्न हुआ है, जो परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया हुआ है, जिसकी काम, जिसका उत्तरदायित्व परमेश्वर की भूखे और प्यासे लोगों को परमेश्वर के स्थान के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के सनातन काल का उद्देश्य के अनुसार सुधार होना है, और जहां सिखाया जाता है उसको अधीन होकर उसके द्वारा हमारे जीवन सुधार होना चाहिए. हमारे पारिवारिक जीवन में जहां हम कार्य करते, उस कार्य क्षेत्र में जहां हम यीशु मसीह के नाम से एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, उस स्थान में आपस में संबंधित परमेश्वर के नियमानुसार सही संबंध होना चाहिए. जो बिगड़ा हुआ ये ऊपरी दिखा हुआ संबंध दूर होना चाहिए. You know, the world is totally ruled out. और उधर संसार या संसार के सिद्धांतों को जगह है. The natural man is ruled out. और प्राकृतिक मनुष्य का उधर जगह है. The carnal mind which is hostile towards God is ruled out. जो परमेश्वर का विरुद्ध हमेशा बलवा करता है, मनुष्य की शारीरिक बुद्धि और उधर कोई जगह है नहीं. Every disorder in life is ruled out in the house of God. जो परमेश्वर, जो परमेश्वर की भवन में हर प्रकार की अनियमितता की जगह है नहीं. Every disruption is ruled out in the house of God. यारे लोगों, हर प्रकार की बंद की बात या हर प्रकार की और धोखेपन की बात परमेश्वर की भवन में जगह है नहीं. We do not come into the house of God to deal with gossip. We don't come into the house of God to deal with tale bearing. We don't come into the house of God to deal with many such mundane things, earthly things. But we come into the house of God to see His throne really filling the temple, His glory filling the temple, His majesty, His presence, His righteousness. We come to meet with such an order. We come to meet with such a divine pattern in the house of God, where we have nothing to contend, where we
nothing to argue, but where we need to submit to thy divine order of God in the house of God. क्या है लोगों, परमेश्वर की भवन में हम इसलिए आते हैं, परमेश्वर की भवन में इसलिए प्रभु ने हमको नियंत्रित करता है, इस बात के लिए नहीं, कम हम उधर आकर आपस में एक दूसरे के विरुद्ध पीछे जाकर कुछ बात करें, एक दूसरे के विरुद्ध चुगली करें, एक दूसरे का जो दुर्बलता के विषय पर आपस में चर्चा करके हंसी मजाक करें, परंतु जो परमेश्वर की जो नियम है, परमेश्वर की पवित्रता और धार्मिकता की सर है, उसके अनुसार सबके साथ हमारी संबंध प्रभु की महिमा उतर आकर उस परमेश्वर की भवन में ठहरे रहने के लिए, हम अपना जीवन सुधार होने के लिए हम समर्पण करने का आवश्यकता, यह नहीं, यह ऐसा नहीं ब्रदर, यह ऐसा नहीं है कहकर वाद विवाद करने का नहीं है, मतभेद का विचार करने का नहीं, परमेश्वर का नियम को अधिक समर्पण करके उसमें अधिक देने का जगह है। We come to God's house if you're a true child of God. Your desire is for that life within you to develop into a fuller expression in the coming days. We come into the house of God to see the disorders in my life, in your life. We come into the house of God to see how disruptive and how much of conflict and strain is there in my own life. When I come into the house of God, I come into the realities of God's divine order. And I need to be changed in my own life. यदि मैं और आप परमेश्वर की सच्चा विश्वासी हैं तो हम परमेश्वर की भवन में प्रवेश करने के अवसर पर हमारी एक पत्ती मैं अपना जीवन में आप स्वयं अपना जीवन में जो परमेश्वर की उस नियम का विपरीत जो अनियमितता पाया जाता है जो और जो बंद की बात पाया जाता है रुकावट की बात पाया जाता है उस सारी बातों को देखकर उस सारी बातों को हमारे जीवन से तिरस्कार करते हुए निकाल कर दूर फेंकते हुए उस परमेश्वर की और उस दैविक नियम की अति अनुसार होने के लिए अपना जीवन उधर समर्पण करना है। Let me tell you one thing. मैं आपसे एक बात करूं। I'm going to close very soon. मैं शीघ्र ही समाप्त करूं। A true body of Christ. If you are in a true body of Christ, I want to give you one sign of it. That body of Christ is going to put upon you a great demand. And if the church that you attend to has got no demands upon you, that is not the true body of Christ. और प्यारे लोगों, यदि आप इस परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के हाथ के द्वारा बना रहा है, उस मसीह का देश में आप एक अंग होने के लिए अपना जीवन समर्पण करना चाहते हैं, तो परमेश्वर का जो यीशु मसीह का जो शरीर पाने के लिए आपका जीवन के ऊपर प्रभु का दावा होगा, और यह नहीं आप कुछ दावा उधर कर सकते हैं, परंतु आपके जीवन के ऊपर आपका जीवन की स्तर सुधार होने के लिए परमेश्वर के नियमानुसार सुधार होने के लिए परमेश्वर की संपूर्ण दावा आपके जीवन पर होगा। Now today many people can choose a church of convenience. और आज लोग अपने अपने सुविधा के अनुसार लोग सहभागिता को चुन लेते हैं या छोटे छोटे मंडली का चुन लेते हैं। Yeah, he is a fool according to God's word. परमेश्वर की वचन के अनुसार वो एक मूर्ख है। There was no believer in the New Testament in the book of Acts where he could choose his own church. You can read and see. You can never see a believer in the book of Acts where he could choose a church of his own. But we see that they were led of the Spirit of God to the body, and as the Word of God says, God placed the solitary in the families. और प्यारे लोगों, प्रेरित को, प्रेरित के कामों को और प्रार्थना पूर्वक अध्ययन करकर देखिए, एक परमेश्वर की वास्तविक विश्वासी जो है अपनी इच्छा के अनुसार सहभागिता करने के लिए अपने काम कार्य पूरा करने के लिए अपने धंधा पूरा करने के लिए अपनी इच्छा के अनुसार किसी मंडली में जाकर सदस्य नहीं बन सकता, नहीं बनते हुए हम उसकी ओर नहीं देखते हैं, परंतु जो आत्मा के द्वारा जो बनाया जाता है उसमें एक अंग बनने से सर्वप्रथम आत्मा के व्यवहार के द्वारा पवित्र आत्मा के व्यवहार के काम के द्वारा परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर ने नियुक्त किए हुए सेवकों की सुधार के काम के द्वारा मेरा और आपका जीवन ईश्वरीय स्तर पर आने के लिए परिवर्तन होना। So we all need to know and set up
concerning this matter that if I am in a body of Christ, if I really claim to be a part of God's glorious bride, the church, that church, that body of believers, in that place, there is going to be a great demand upon every area of my life. प्यारे लोगों, यदि मैं और आप जो उस तेजस्वी कलीसिया जिसको मसीह यीशु का दुल्हन कहलाते हैं उसमें मैं और आप एक भाग एक अंग होने चाहता है तो उसमें हम भागीदार होना चाहता है तो उस मंडली में जहाँ प्रभु आत्मा के द्वारा बना रहा है अपने आप को समर्पण करना है जिस स्थान पर परमेश्वर की उस दैविक नियम के अनुसार उस पवित्र स्तर के अनुसार मेरे और आपकी जीवन स्तर होने उस स्तर तक सुधार होने के लिए हमारे जीवन की सारे शाखाओं में प्रभु की दवा होगा. Let me ask you one thing. मैं आपसे एक सवाल पूछूं. Do you find a demand upon your life in the local assembly? क्या आपके स्थानीय मंडली के अंदर आपके जीवन के अंदर जो स्थानीय मंडली की ओर से दावा है? Do you find corrective lines coming upon you? जो आपकी सुधार की जो बातें या सुधार की शिक्षाएं आपके पास आता है जहां स्थानीय मंडली है? If you really feel that, I can tell you, you are in the right place. यदि आप अपने जीवन में वास्तविक में एहसास करते हैं तो मैं आपको बता सकता हूं आप एक सही स्थान पर. But if you are not in such a place, यदि आप ऐसे स्थान पर नहीं हैं, you can live the kind of life you want to live. और जैसा आप चाहते हैं वैसा जीवन व्यतीत कर सकता है. You are not a part of the true house of God. और परंतु आप परमेश्वर की सच्चा भवन का भाग हैं. Beloved people of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों. Oh, we need to settle this first of all in our hearts. हमारे हृदय में इस बात को तय कर देना. That the house of God stands for the divine order of God. परमेश्वर की जो घर है, परमेश्वर का भवन जो है, परमेश्वर की दैविक नियम के लिए. My disorderly life needs to be brought into order. और मेरा जो अनियमितता जीवन जो है, परमेश्वर की दैविक. Every disruption, every strain, and every conflict in my life need to be brought under God's divine will, even as I gather together with the saints of God in the house of God. जो परमेश्वर के भवन में, जो परमेश्वर के संत लोगों के साथ मैं एकत्रित होने के अवसर पर मेरे जीवन में पाया गया हर प्रकार की जो रुकावट की बातें हैं, रुकावट की स्वभाव है जो या फूल की बात है, ये सब चीज जो है वो मेरे जीवन से दूर होने के लिए मैं इच्छुक होकर समर्पण करना है. In the true कि परमेश्वर की नियमानुसार मेरे जीवन सुधार हो सके, कि मैं भी परमेश्वर की घर में बाली हो सके, बन सके. In the true body of Christ, we each one gather together that our lives may be changed and brought in line with God's own divine order. प्यारे लोगों, परमेश्वर की भवन में या स्थानीय मंडली में हम इसलिए एकत्रित होते हैं जो प्रभु की उसकी स्वयं की उस इच्छा और उसके नियमानुसार मेरे और आपकी जीवन परिवर्तन होना. Let that be our prayer in closing this morning. और आज इस सभा के अंत में ये हमारी प्रार्थना हो. You know that my life needs to come into the divine order in these days. और मेरा जीवन जो है इस परमेश्वर की नियम के अनुसार होना. It's so sad today. और बड़ा खेद की बात. You know, people who want to build churches or they want to have fellowships by splitting, by going to people and bringing them from this assembly and that assembly. I want to tell you, oh beloved, so many such dirty things are happening. But in the midst of all that, if you could give yourself to God's word and be willing to be changed and brought into the divine order, you are going to be a blessed person. बड़े खेद की बात है. आज जो है दूसरे सहभागिता से, दूसरे मंडली से लोगों को अलग करके चुरा कर ले जाकर कुछ कलीसिया के नाम से या सहभागिता के नाम से और कुछ बनाना चाहता है. यदि मैं और आप परमेश्वर की भवन जो प्रभु अपने पवित्र आत्मा के द्वारा इन दिनों में बना रहा है इसमें मैं और आप भी एक अंग होना चाहता है तो, भागीदार होना चाहता है तो हम उस दैविक अनुशासन की अधीनता में परमेश्वर की उस सुधार की मार्ग में और हम संपूर्ण रूप से समर्पण करके अधीन रहना है कि हमारा भावनाएं हमारा जीवन का हर क्षेत्र के सुधार हो सके. आई थैंक गॉड इन माई लाइफ बिकॉज आई लिव एवरी डे एंड आई सेंस इन माई लाइफ एवरी डे द डिमांड्स ऑफ दैट ग्लोरियस ब्राइड. यू नो आई एक्सपीरियंस दैट इन माई लाइफ.
जो मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, जो किस कारण मेरा व्यक्तिगत जीवन में जो हर दिन जो दावा आती है, जो मसीह का दुल्हन में मैं भी एक बाग के रूप में रूपांतर होने के बनाए जाने के लिए जो दावा आती है, और इस कारण मैं प्रभु को धन्यवाद। I can say that my disorderly life is being brought into order day by the initiation of the Holy Spirit. जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा की और कार्य के द्वारा जो मेरे जीवन की हर शाखा में जो अनियमितता पाया जाता है वो परमेश्वर की दैनिक नियम की अधीनता में आकर नियम के अनुसार होता है। God is changing my life. और प्रभु ने मेरे जीवन को परिवर्तन कर दिया। If that is your desire, beloved people of God. परमेश्वर के लोगों आपका इच्छा भी यही है। God will continue to do this work in your life too. और परमेश्वर ने यही काम आपके जीवन में भी लगातार कर। Let us have a real perspective and true understanding of the house of God in these days. इन दिनों में परमेश्वर के भवन, परमेश्वर के घर के विषय पर एक सही समझ हम। Church has become a plaything in the hands of many spiritual leaders. और आजकल कलीसिया जो है बड़े बुद्धिमान और विद्वान जो मनुष्यों की भ्रष्ट हाथों के खिलौना बन गया है। Oh, but in the midst of all that, और उनके बीच सारी बातों को बीतकर, oh, let there be a life that is changed and nurtured and will grow on with the fuller expression initiated by the work of the Holy Spirit. परंतु हमारा, मेरा और आपका जीवन जो है परमेश्वर यीशु मसीह का जीवन का संपूर्ण जीवन प्रकट करने वाला, ये परिवर्तित होने वाला जीवन बन जाए। Let us be those who shall be without Jacob in our lives. और हम ऐसा हैं, हमें किसी प्रकार की याकूब ना पाए जाए। We may be those who would have an open heaven before us. हमारे आंखों के सामने एक खुला हुआ स्वर्ग हमारे पास है। Once we are able to perceive which cometh from God. जो कुछ परमेश्वर की ओर से आता है उसको समझने का व्यक्ति हम बने। It's so sad sometimes you got to sit with some believers arguing, telling and making them understand for hours and yet they say, brother, I don't feel it is from the Lord. और बड़े दुख के साथ हम कहना पड़ता है, कई विश्वासियों के साथ कई दिन कई घंटे हम उसे वार्ता करके उत्साहित करते हैं, अंत में कहता है बस ये सब बात तो ठीक है परंतु मेरे मन में नहीं जैसा, मेरे को इसको दाम चुक नहीं पाऊंगा, मैं इस रास्ता पर जाना नहीं जा सकता, मेरे विचार ऐसा नहीं हो सकता है, परमेश्वर का वचन कहकर उन लोग जवाब देते। परंतु नतानियल से प्रभु ने कहा, हे नतानियल, इससे महत्वपूर्ण और बड़े बड़े महान बात। I feel that is the word of the Lord to those who shall believe what God is saying, that thou shalt see greater things than this in the coming days. जो लोग प्रभु और परमेश्वर का वचन पर विश्वास करते हैं उनके लिए यही वचन कहकर मैं विश्वास करता हूँ, जो विश्वास करते हैं आने वाले दिनों में आपके जीवन में आपकी आंखों से महान महान कामों को देखो। The Lord will cause you to see that. और परमेश्वर ने सारी बातों को देखा। Shall we all stand in the presence of God? प्रभु की उपस्थिति में खड़ा होकर धन्यवाद के साथ अपने जीवन समर्पण करें। How lovely is thy dwelling place, O Lord of hosts, my soul longs and yearns for your courts, and my heart and my flesh sing for joy to the living. One day in your presence is far better to me than gold, or to live my whole life somewhere else. And I would rather be a doorkeeper in your house than to take my fate upon myself. You are my sun and my shield, you're my love right from the the highway to your city runs through my heart.
my soul longs and yearns for your cause. And my heart and flesh sing for joy to the living God. One day runs through.